मेरे और आपके मन में कभी कभी एक प्रश्न उठ सकता है कि हमें दुख से क्या मिलेगा। इस प्रश्न का जवाब देने के पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमें दुख से वही मिलेगा हम जो दुख को दे रहे हैं। आपने यदि दुख को पानी दिया आपको पतला दूध मिलेगा, आपने यदि दुख को शक्कर दी आपको मीठा दूध मिलेगा, आपने यदि दूध को नींबू दे दिया आपको खट्टा हुआ दूध मिलेगा, और आपने यदि दूध को चावल दे दिया आपको नहीं मिलेगा। दूध से क्या मिलेगा, वो प्रश्न का जवाब ये है कि हम दूध को क्या देने जा रहे हैं। यंग जनरेशन से, पूरे समाज से, पूरे राष्ट्र से हमें क्या मिलेगा, इनका जवाब एक ही है कि समाज को, युवा पीढ़ी को, राष्ट्र को हम क्या देने जा रहे हैं। बंजर भूमि में आप बीज बोएंगे, इनपुट तो होगा आउटपुट आपको कुछ नहीं मिलेगा, और एक फलद्रुप जमीन में आप यदि बीज देंगे फसल इतनी मिलेगी जो मेरी और आपकी कल्पना की बात होगी। करीबन साधु जीवन में 50 साल में एक प्रयास किया है अच्छी चीज देने का, आउटपुट क्या मिलेगा क्या मिलता है वो मुझे मालूम नहीं है। हर लोग आउटपुट की बात मेरे पास कर भी नहीं सकते, मगर मुझे एक सेटिस्फेक्शन है कि जो भी मेरे परिचय में आए उनको एक अच्छा देने का मैंने प्रयास किया। मैंने अलग अलग सब्जेक्ट पर किताब लिखी है, मगर ये 300 भी किताब जब ऐसा तय हो चुका कि करीबन प्राइम मिनिस्टर का सीन का विमोचन होगा, तो मेरे मन में लगा कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है तो हिंदुस्तान को जो छूने वाले सब्जेक्ट है उनको ही लेकर मैं किताब लिखूँ। इसलिए पूरे हिंदुस्तान की हर कम्युनिटी के हर प्रजाजन को छूने वाली चीज संस्कृति, हमारा रिलेशन माँ बाप के प्रति, पति और पत्नी के प्रति, भाई भाई के प्रति, इनका रिलेशन क्या हो सकता है। रिस्ट्रिक्शन हर एक जगह में था, हमारी सील सदाचार संस्कार की रक्षा के लिए इस देश में रिस्ट्रिक्शन क्या था, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, इस देश में हर व्यक्ति घर में रहने वाले की ड्यूटी क्या थी, और अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर के पूर्व का इतिहास और वर्तमान दोनों को कनेक्ट करके एक सब्जेक्ट लिखा। ये सब्जेक्ट लिखने में बड़ी कश्मकश चली, बड़ा प्रयास भी करना पड़ेगा, आखिर भगवान की कृपा से इतना अच्छे एक सब्जेक्ट मिल गया और उनके लेखन हो गया। वो किताब 10 जनवरी को ओपन हो रही। मेरा भारत इसलिए कि जिस देश में रहता हूँ उस देश का मुझे भी गौरव है। मातृभूमि, मातृभाषा और माता, ये तीन चीज़ के प्रति तो हमारा लगाव, चाहे हम साधु भी बने मगर इस धरती को हम नमस्कार करते, और इसलिए मुझे लगा लिखना ही है। तो जिस धरती पर मेरा जन्म हुआ, जिस मातृभाषा से मैं यहाँ आया, और जिस माँ ने मेरे जीवन पर उपकार किया, उनको केंद्र में रख करके मैंने ये किताब लिखी। एक हिसाब हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, मराठी, प्रिंट लिख में एक ही साथ ये किताब लिखी। 10 दिन का फंक्शन में चाहता हूँ हर एक के हृदय में एक परिवर्तन आ जाए। एक बात मैं कहना चाहूँगा, माइंड का परिवर्तन तो मुश्किल है मगर कॉन्शियस का परिवर्तन आ जाए, इट इज़ रियली इजी, और इजी और लॉन्ग टाइम वो परिवर्तन चलता है। मन प्रभावित होता है, अंतकरण प्रभावित होता है, और मुझे पक्की उम्मीद है कि प्रभु की कृपा से आने वाले लोगों के हृदय में निश्चित तौर से मॉरल और कल्चर और स्पिरिचुअल की प्रतिष्ठा होकर ही रहेगी। आपके दर्शकों को मैं इतना ही कहूँगा कि मैं मीडिया को भी पहले कुछ कहना चाहूँगा, इतना ही, यू आर गिविंग द राइट न्यूज़। मैं इतना कहूँगा आपकी ओर से गुड न्यूज़ भी बहुत प्रसारित है, हर जगह राइट की तो बोलबाला है मगर गुड कोने कोने में अच्छे अच्छा समाचार बनते हैं, वो समाचार भी आपकी ओर से स्प्रेड हो। और दूसरी बात, सुनने वाले हजारों लाखों करोड़ों दर्शकों और वाचकों, मैं इतना कहना चाहता हूँ आपके जिनमें चाहे कितना भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए पड़े, उन सभी का कॉम्प्रोमाइज करो, मगर कल्चर के साथ, मॉरल के साथ, स्पिरिचुअल के साथ जीवन का ऐसा कॉम्प्रोमाइज नहीं करो जो आपके अंतरंग को चुभते रहे और आपके जीवन को डिस्टर्ब करे।